रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बहुत जगह गए सारे स्टूडेंट का रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए देखिए, रिडॉक्स को दो भाग में तोड़ दीजिए, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, अवकरण भी हो, अवकरण क्रिया भी हो और ऑक्सीकरण क्रिया भी हो। मतलब क्या, हम इसका क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? वैसा भी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों संपन्न होता। उसे क्या कहेंगे हम? उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए अब इसका एग्जांपल इस सब देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है ऑक्सीकरण, क्या होता है रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? वैसे आप क्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी हो, दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तब क्वेश्चन उठता है कि ऑक्सीकरण किसको कहते हैं और अवकरण किसको कहते हैं? जरा देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना, ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकरण। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का हटना, ये क्या हो जाएंगे? रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्शन। ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडेशन। तो अब क्या करें कि दोनों एक साथ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं, ZN प्लस CO। ZN प्लस, सॉरी एग्जांपल गलत लिखा गया, ZN प्लस सी। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो बन रहा है पदार्थ उस पर ध्यान, यहाँ ZN बन रहा है ना, तो ZN कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन हट करके नहीं बन रहा है, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का जुटना, तो ये CO बन रहा है, फिर यहाँ क्या बन रहा है? CO। तो CO कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से जुट करके, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो इसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं ना, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण अवकरण, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो दोनों रिएक्शन साथ हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। एक आधे एग्जाम्पल और देख करके समझ सकते हैं। चलिए चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? CU + H2। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सबसे पहले जो प्रतिफल बन रहा है उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या बन रहा है? CO बन रहा है ना, तो CO कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है तभी ना CO बन रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो गया? अवकरण यानी रिडक्शन। फिर यहाँ क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, तो H2O कहाँ से बन रहा है? ऑक्सीजन जुट करके ना, यहाँ से ऑक्सीजन जुट रहा है ना, तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए दोनों रिएक्शन सब हो रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। आई होप अब आप लोग क्लियर हो क्या हो कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। चलिए चलिए अब देखते हैं क्या ऑक्सीकारक पदार्थ हो क्या अवकारक पदार्थ। मतलब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग यानी ऑक्सीकारक कौन होता है, अवकारक कौन होता है, इसको जरा देखिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अवकरण हो रहा है। सबसे पहले तो हम क्या बोले, प्रोडक्ट पर जाइए। देखिए
CU बन रहा है। तो CU कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन के हटने से ना बन रहा है। तो ऑक्सीजन का हट रहा है ना यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का हटना क्या हो जाता है? रिडक्शन ना, तो रिडक्शन यहाँ लिख दिया। क्या अवकरण। अब फिर यहाँ देखिए H2 क्या बन रहा है? वाटर। तो H2O कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन यहाँ जुट करके ना, तो ऑक्सीजन यहाँ जुट रहा है। अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी क्या? ऑक्सीकरण। अब देखिए तो पदार्थ कौन हो गया? तो जिसका अवकरण हो रहा है वो कौन पदार्थ हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। जिसका रिडक्शन यानी अवकरण हो रहा है वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो पदार्थ कौन सा हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। एक बार फिर से देख लीजिए, जिसका रिडक्शन हो रहा है कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो बता दीजिएगा ना कि CuO ऑक्सीकारक पदार्थ है, और अवकारक पदार्थ है पूछेगा तो क्या हो जाएगा? H2। फर्स्ट एग्जांपल से टेंशन मिल गया, सेकंड पर आइए। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पर जाइए, प्रोडक्ट में क्या है? ZN। ZN कैसे बन रहा है? ऑक्सीजन से हट करके ना, ZN कैसे बन रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो क्या हो गया? रिडक्शन इसका हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुट करके नहीं बन रहा है, इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका रिडक्शन हो रहा है तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। तो यहाँ पर हम लिख लें तो ZN क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ, और C अवकारक पदार्थ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ देखते हैं HCl बन रहा है। तो HCl कैसे बन रहा है? यहाँ से हाइड्रोजन हट करके ना यहाँ चला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इससे हाइड्रोजन हट रहा है ना, और उसके बाद ही इससे मिल रहा है, उसके बाद यहाँ बन रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? अवकारक पदार्थ। यहाँ पर देखिए इस बन रहा है, इस कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन यहाँ पर से क्या हो रहा है? हट रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? या दूसरे वे में देखें तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन जुट रहा है ना, यहाँ से हाइड्रोजन इससे जुट रहा है तो भी ये बन रहा है। तो हाइड्रोजन का जुटना कौन सा हो जाता है? रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हो गया तो कौन सा पदार्थ हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीकारक पदार्थ कौन हो गया यहाँ पर? Cl2। और ये क्या हो गया? H2S। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीकारक पदार्थ कैसा निकलता है, अवकारक पदार्थ कैसे निकलता है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर।